आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप डेप मिनट की 3D एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएंगे। मैंने 3D एनिमेशन वीडियो को 8 स्टेप को फॉलो करके बनाया है। अगर आपने किसी भी एक स्टेप मिस कर दिया तो आप 3D एनिमेशन वीडियो बनाने के बारे में भूल जाओ। ये मैंने 3 मिनट की एनिमेशन वीडियो बनाई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम सीखेंगे कि इस तरीके की एनिमेशन स्टोरी वीडियो फ्री AI टूल्स की मदद से कैसे बनाएंगे। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार, नन किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, और अपने काम से काम। उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बूंद छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। पेड़ बहुत छोटा था, लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपनी जज्बातों पर काबू नहीं सका। उसके लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई, और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ ने नीचे लड़के का इंतजार कर रही लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहां गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 10 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने छत से लड़की के मुंह अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआन सा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। यह सुनकर लड़की का कलेज फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी। सबसे पहले आपको इस तरीके की लव स्टोरी वीडियो बनाने के लिए एक स्टोरी चाहिए, तो यहाँ पर हम चैट GPT से एक स्टोरी लिखवा लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टाइटल लिख दिया है, आप चाहे तो ये टाइटल नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये टाइटल लिख दिया है और इस टाइटल पर हमें स्टोरी भी जनरेट होकर मिल चुकी है। अब हमें चाहिए इस स्टोरी के लिए स्कैन्स यानी इमेजेस, क्योंकि हमें इमेजेस के द्वारा अपनी स्टोरी को समझाना है यानी अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, राइट दिस स्टोरी प्रॉम्प्ट्स फॉर बेस्ट इमेजेस। तो यहाँ पर जैसे ही हम लिखते हैं देन आप यहाँ पर शेयर करेंगे और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। आपको इस तरीके से स्टोरी और प्रॉम्प्ट्स जनरेट करा लेने हैं चैट GPT से। नंबर 1 स्टेप में आपको ये फॉलो कर लेना है, आपके पास एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छी 3D एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनेगी और जिससे कि लोग इंगेजिंग होंगे और आपकी वीडियो को वॉच करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टोरी को कॉपी कर लेना है, आपको फुल स्टोरी को कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आपको अपनी स्टोरी की करनी है वॉइस ओवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है। आपको टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना है। इन सभी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी स्टोरी जो है पेस्ट कर देनी है, देन आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है वॉइस किस तरीके की चाहते हैं आप, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपकी जो ऑडियो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लेना है। इस वेबसाइट का नाम है Play HT। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टेक्स्ट से जो वॉइस है वो जनरेट होकर मिल जाएगी। स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे इमेजेस जनरेट। इमेजेस जनरेट करने के लिए आपको Pixlr AI वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। देन यहाँ से हम साइज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टाइल सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्टाइल्स हैं। यहाँ पर हम 3D मॉडल वाला स्टाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कलर इमेजेस में तो आप यहाँ पर किस तरीके की इमेजेस में कलर टोन रखना चाहते हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप लाइटिंग रखना चाहते हो इमेजेस में, अगर आप लाइटिंग चाहते हो तो आप लाइटिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप सभी कुछ एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सभी कुछ एडजस्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है जनरेट का ऑप्शन। आपको यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है और आपकी इमेजेस यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम जो है ये एक वाइड एंगल जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जनरेट पर हम क्लिक कर देते हैं। आपको ChatGPT से प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सभी सेटिंग्स ये एडजस्ट कर देने के बाद देन जनरेट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने 4 इमेजेस जनरेट होकर आ चुकी हैं। अब आपको इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप इमेजेस को डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके इमेजेस को डाउनलोड कर ले। आप चाहे तो किसी और वेबसाइट से भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट करना है। आप Leonardo AI वेबसाइट से भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं या Lexica वेबसाइट से भी आप इमेज ले सकते हैं, या आप किसी और वेबसाइट से, अगर आप जानते हो किसी और वेबसाइट के बारे में जिससे इमेजेस जनरेट होती हैं तो आप वहां से 3D स्टाइल में इमेजेस जनरेट कर लें और इमेजेस को डाउनलोड कर लें। तो यहां पर हम इस तरीके से ये थर्ड प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, यहां पर हम पेस्ट कर देंगे, देन जनरेट पर क्लिक कर देंगे और आपको इमेजेस को जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इमेजेस जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर इमेजेस जनरेट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ से बैक। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इमेजेस हैं जो कि हमने डाउनलोड की हुई हैं। नेक्स्ट, अब आपको इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको कन्वर्ट टू वीडियो पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देखेंगे इमेज टू वीडियो का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इन सभी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी वेबसाइट मैंने इस वीडियो में यूज़ की है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इन वेबसाइट पर आ सकते हैं। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अपलोड इमेजेस पर, हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक इमेजेस सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक इमेजेस सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से कोई सी भी इमेजेस आप सिलेक्ट कर लें। आप जिस भी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप यहां से सिलेक्ट कर लें। आप चाहे तो एक साथ भी सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप 1x1 करके इमेजेस को जो है वीडियो में कन्वर्ट करें। तो यहां पर हम इस तरीके से यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको थोड़ा सा लोडिंग टाइम लगेगा और यहाँ पर 1-2 सेकंड का वेट करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी इमेज जो है वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर प्ले करके इसे देख लें। देन 3 डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है और वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये इमेज जो है वीडियो में कन्वर्ट कर ली है। आपको 1x1 करके सभी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है
और उन्हें डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आपको गूगल ब्राउज़र में टाइप करना है 3D कार्टून ग्रीन स्क्रीन लिपसिंग। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे यहाँ पर आपको ये वीडियो शो हो जाएंगे जो कि हमारा करेक्टर बोल रहा है, जो लिपसिंग कर रहा है। यहाँ से हमें लिपसिंग की वीडियो ग्रीन बैकग्राउंड वाली जो है डाउनलोड करनी है। यहाँ पर जैसे मैं ये वीडियो प्ले करके देख लेती हूँ, इस तरीके से लिपसिंग जो डायलॉग है यहाँ पर हम इससे बुलवाएंगे ग्रीन स्क्रीन में। तो यहाँ पर हम जो है ऊपर की ओर वॉच करके देख लेते हैं ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस। जैसे ये वाली लिपसिंग की वीडियो है यहाँ पर, आप इसे ये ग्रीन स्क्रीन की जो वीडियो है इसे हम डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको वन बाई वन करके आप चाहे तो 2-3 लिपसिंग वीडियो डाउनलोड कर लें, आप डाउनलोड कर सकते हैं इजी तरीके से गूगल ब्राउज़र से। तो यहाँ पर हम इन्हें इस तरीके से देख लेते हैं और यहाँ पर बहुत सारी ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी लिपसिंग की। आप मेल का लिपसिंग और फीमेल का लिपसिंग डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट हम करेंगे डायलॉग जो बोल रहा है हमारा करेक्टर, उन डायलॉग को हम कॉपी करेंगे। इस तरीके से मैं कॉपी कर लेती हूँ। जैसे ये वाला है, तुम इतनी देर से क्यों आए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जैसे ये लड़की डायलॉग बोल रही है तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। अब हम इसे कॉपी करके जो है वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए हम TTS OpenAI वेबसाइट का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपनी वॉइस जनरेट करा सकते हो। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डायलॉग जो है पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको साइनअप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहे तो साइनअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ विदाउट साइनअप के भी यहाँ पर आप ऑडियो जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो डायलॉग कॉपी किया था ChatGPT से यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। देन यहाँ से हम वॉइस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप वॉइस सिलेक्ट कर लें, डिफरेंट वॉइस से यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, एज सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्सेंट कैसा रखना चाहते हैं आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जेंडर सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर हम प्ले करके सैंपल सुन लेते हैं किस तरीके से है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का डायलॉग जो है, हमें फीमेल की वॉइस रखनी है। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जो है ऑडियो जनरेट हो जाएगी डायलॉग की। देन डाउनलोड पर क्लिक करके ऑडियो को डाउनलोड कर लेंगे और हमें वन बाई वन करके सभी डायलॉग को कॉपी करना है और यहाँ पर ऑडियो जनरेट कर लेनी है वन बाई वन करके सभी डायलॉग्स की। तो यहाँ पर मैं वन बाई वन करके सभी डायलॉग्स को कॉपी कर लूँगी और यहाँ से ऑडियो जनरेट कर लूँगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायलॉग जो है मेल बोल रहा है या फीमेल, तो उसी की वॉइस में आपको डायलॉग को ऑडियो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं सभी डायलॉग वन बाई वन करके और डायलॉग्स को हम कर लेते हैं डाउनलोड। तुम इतनी देर से क्यों आए? इस तरीके से ये जो लिपसिंग कर रहा है करेक्टर जो बोल रहा है, यहाँ पर हम इसे किस तरीके से इसे एडजस्ट करेंगे लिपसिंग को। तो यहाँ पर हम सीखेंगे इसमें, तो आपको इंसॉर्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। देन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट करेंगे जो हमने इमेज डाउनलोड की है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ थोड़ी सी हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑडियो जो है म्यूज़िक यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ऑडियो ऐड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, म्यूज़िक पर आएंगे और यहाँ से हम ऑडियो ऐड कर लेंगे जो हमारा करेक्टर डायलॉग बोल रहा है वो वाला। तो यहाँ पर मैं जो करेक्टर हमारा डायलॉग बोल रहा है वो वाला डायलॉग यहाँ पर जो है यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर हम प्ले करके सुनकर देख लेते हैं कौन सा डायलॉग है जो कि लड़की बोल रही है। जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, तुम इतनी देर से क्यों आए। तो यहाँ पर हम ये वाला डायलॉग जो है यूज़ कर लेते हैं, देन टिक कर देते हैं सही पर। इसके बाद आपको पीप पर क्लिक करना है और वो वाली लिपसिंग वाली वीडियो आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जो आपने ग्रीन स्क्रीन की लिपसिंग वाली वीडियो यहाँ पर
डाउनलोड की है, आपको वो वाली वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से जैसे ये वाली वीडियो है मैंने डाउनलोड की हुई है, इसे हम प्ले करके देख लेंगे इस तरीके से। ये वीडियो है, देन यहाँ पर हम कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कर देंगे कट। सिर्फ हमने ग्रीन स्क्रीन वाला लिप्स वाला जो ये वीडियो है ये वाला इतना ही क्लिप लेंगे। तो हम यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन वाला ये इतना क्लिप ले लेते हैं, देन सही पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन स्क्रीन की लिपसिंग वीडियो आ चुकी है। अब आपको कटआउट पर क्लिक करना है यहाँ पर, देन क्रोमा पर आएंगे नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमा, और ये ग्रीन वाला एरिया जो है गोल गोल जो है इसमें हम एडजस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर आपको सही पर क्लिक करना है और लिप्स को आपको छोटा कर देना है इस तरीके से, और आपको करेक्टर के बिल्कुल सटीक यहाँ पर चिपका देना है। तो इस तरीके से आपको इसे लिप्स को एडजस्ट करना है करेक्टर के हिसाब से, देन आपको प्ले करके देखना है कि लिप्स जो है सही तरीके से हमारा एडजस्ट है या नहीं। जो है बिल्कुल एडजस्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी ग्रीन स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो है ये ग्रीन स्क्रीन का एडजस्ट हो चुका है, लिप्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि यही लिपसिंग कर रही है। तो यहाँ पर अब हम लड़के से लिपसिंग कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो ये एक्स्ट्रा लिपसिंग वाला पार्ट है इसे कर देते हैं इस तरीके से, इस पर चिपका देते हैं इस बिल्ट पर क्लिक करके, और यहाँ पर हम इस तरीके से दूसरा लिपसिंग जो है वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला जो लिपसिंग वीडियो है ये भी मैंने डाउनलोड किया था, देन कटआउट पर क्लिक करेंगे, क्रोमा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन एरिया सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये लिप्स आ चुके हैं। देन यहाँ पर हम सही पर टिक करेंगे और लिप्स को एडजस्ट कर लेंगे स्क्रीन पर इस तरीके से, हम इस करेक्टर पर बिल्कुल एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम करेक्टर पर एडजस्ट करेंगे, लिप्स को यहाँ पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए लिपसिंग में। तो यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और जो लड़का डायलॉग बोल रहा है वो वाला डायलॉग भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऑडियो पर आएंगे और म्यूज़िक पर आएंगे, और यहाँ पर माई म्यूज़िक पर आकर जो हमने TTS OpenAI से डायलॉग बुलवाए है वो वाला डायलॉग यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे जो डायलॉग लड़का बोल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा करेक्टर जो है ये लिपसिंग कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से आप लिपसिंग करा सकते हो, आपको इस तरीके से वीडियो जो है एडजस्ट कर लेनी है, और ये लिप्स वाला जो इतना पार्ट ये बोल रहा है इतना हम सिलेक्ट कर लेंगे। तुम्हें इतनी देर से क्यों आए? प्ले करके मेरी तो जान ही निकल गई। जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। वीडियो बना सकते हो लिपसिंग वाली वीडियो जो डायलॉग बोल रहा है, और एक्स्ट्रा पार्ट में जो है डिलीट कर देती हूँ। देन यहाँ पर इंसर्ट का वाटरमार्क आपको शो होएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फ्री रिमूव पर क्लिक करके आपको इंसर्ट का वाटरमार्क भी रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट का वाटरमार्क जो है रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और वीडियो को सेव कर लेंगे। अब इन सबको हम जोड़ेंगे जो जो हमने यहाँ पर जनरेट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले सभी वीडियो क्लिप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर म्यूज़िक पर आएंगे और यहाँ से हम ऑडियो सिलेक्ट करेंगे स्टोरी की। तो यहाँ पर हम ऑडियो सिलेक्ट कर लेंगे, जो स्टोरी है हमारी वो वाली ऑडियो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑडियो के हिसाब से क्लिप्स को एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमारी लिपसिंग वाली वीडियो है वाली भी हम ऐड कर लेंगे। देन इफ़ेक्ट्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पर वेदर वाला इफ़ेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, रेन वाला। तो बारिश का जो सीन है यहाँ पर हम रेन वाला इफ़ेक्ट यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर वेदर सिलेक्ट करेंगे, लाइटिंग भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से सभी कुछ एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर। इफ़ेक्ट्स आप चाहे जिस तरीके का इफ़ेक्ट्स यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लिया है। इफ़ेक्ट्स का यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है साउंड इफ़ेक्ट्स। यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में हम साउंड इफ़ेक्ट्स में आएंगे और वेदर का साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से रेन का साउंड इफ़ेक्ट्स हम यूज़ कर लेंगे।
और यहाँ पर थंडर का ये साउंड इफेक्ट्स भी हम यूज़ कर लेंगे। आप जिस भी टाइप का साउंड इफेक्ट चाहते हैं आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन आपको वीडियो को प्ले कर लेना है और वॉच कर लेना है। सभी कुछ एडजस्ट करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाए कि आपकी वीडियो अच्छे से बन चुकी है, सभी कुछ अच्छे से आप जोड़ चुके हैं, देन आपको वीडियो का जो वाटरमार्क है यहाँ पर आपको अपने चैनल का लोगो लगा देना है या आप अपने चैनल का नेम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाटरमार्क है ये भी हाइड हो जाएगा आपकी वीडियो में जो मिलेगा वाटरमार्क। देन आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप 10 मिनट की 20 मिनट की 3D एनिमेशन वीडियो बना सकते हो बहुत ही आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो करके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।